गैर भाजपाई पार्षदों की सोमवार को बैठक हुई थी, जिसके संबंध में मंगलवार को उन सभी 47 पार्षदों ने महापौर से मुलाकात की और अपने मांगों के संबंध में उनको एक पत्रक भी दिया। इन गैर भाजपा पार्षदों का कहना है कि उनके साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। इस संबंध में वो अपनी मांगों को लेकर महापौर से मिलने आए हैं। पार्षदों का कहना है कि पिछली सरकार की अपेक्षा वर्तमान सरकार में पार्षदों के पास उनकी निधि में से कम पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनको क्षेत्र में उनका विकास बाधित पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर नाराज पार्षदों ने महापौर से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। इस दौरान माहौल थोड़ा गर्म था, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आ गई। मांग पत्र सौंपने के बाद ग्रुप न्यूज से बात करते हुए सपा के पार्षद साहब अंसारी ने बताया, संयोग से मैं भी पहुंचा, जनता ने कहा कि ग्रास टूटा है बनवा दीजिए, आपने कहा पार्षद दिया आप भी बनवा दीजिए। मेरे पास है, 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 आज हम माननीय महापौर जी से सभी माननीय पार्षदगण जा कर के मुलाकात किए कि सीएम सिटी होते हुए नगर निगम की बहुत दयनीय स्थिति है। वार्डों में पार्षद के क्षेत्रों में एक भी पैसे का फंड नहीं दिया जा रहा है जनता के विकास कार्य के लिए। इन सब बातों को हम लोगों ने माननीय महापौर से रखा। 5 माह हो गए हैं, जनता सवाल कर रही है कि अभी तक रोड नहीं बन रहा है, अभी तक नाली निर्माण नहीं हो रहा है, कोई भी विकास कार्य के लिए किसी भी वार्ड में एक भी पार्षद को एक पैसा अभी तक नहीं मिला है। और निश्चित तौर पे माननीय महापौर जी भी जनता अधिकारियों के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दिए और जनता के विकास की बात उन्होंने कहा कि पैसा आएगा तो होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, माननीय पार्षद जी के लोगों के माध्यम से, कि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री शहर है, और फंड क्या वजह है कि नगर निगम में फंड नहीं है। जब इस बाबत गोरखपुर न्यूज ने महापौर सीताराम जायसवाल से बात की तो उन्होंने बताया, विकास के मुद्दे पर पार्षद मिलने आए थे, मैंने उनके समस्याओं को सुना है और उनसे जो कार्यकारिणी का निर्णय है उस हिसाब के काम कराने का आश्वासन दिया है। पार्षद वरीयता में 10-10 लाख रुपए कोटेशन के आधार पर जल्द कराएं प्लस पार्षद और उसका प्रस्ताव दें, उसे शीघ्र मंजूर कर लिया जाए और आगे की योजनाओं में जितने भी पार्षदों ने अपने सड़क और नाली के लिए मांग की है उसकी कार्य योजना बना करके 207 करोड़ रुपए की सरकार को भेज दी गई है और जल्द ही वो स्वीकृत होने की उम्मीद है। और कोई भी ऐसा शहर संसार में नहीं रहेगा सड़क जो मुट्ठी गड्ढा रहे, पूरी नई सड़क हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं।